नमस्कार, विश्व शर्मा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं आज आप कोई ना कोई नई रेसिपी ले आपके लिए शेयर करती रहती हूँ, आज भी नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं हम क्या बनाते हैं किचन की तरफ। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, तंदूरी रोटी बना रही हूँ, और चने का आटा लिया है, सॉल्ट लिया है, घी लिया है, देसी कोरिएंडर लीव्स लिया है, और डोट बनाने के लिए मैंने पानी लिया है। इसका हम थोड़ा टाइट डो बनाते हैं। टाइट डो बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसमें से हम चने का आटा इसमें ऐड कर लेंगे। जितना आपको चाहिए उतना आप ऐड कीजिए। मैं सिंपल रोटी भी बनाती हूँ तो चने का आटा उसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डाल लेते हैं। ये सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पर, और बस इसको हम टाइट डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसका आटा पतला नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। ये हमारा डो रेडी हो गया, और ये देखिए इसका थोड़ा टाइट आटा रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं रखते इसको। और इसको एक दो से तीन बार मसल लेंगे और रेस्ट करने के लिए हम इसको रख देंगे आराम से ढक करके। इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, बस इसको एक प्लेट से ढक करके रख देंगे। गर्मी का मौसम है, 5 to 10 minutes इसको कवर करके रख देंगे। इसके बाद हम तवा रोटी तंदूरी रोटी बनाते हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। हमारे 10 minutes हो गए हैं, इसको हम हटा लेते हैं प्लेट को, और इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, मसल मसल के इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। और इसमें घी का आद बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी क्यों नहीं लगाते हैं घी। घी सबसे लास्ट में लगता है जब हम सर्व करते हैं, पहले घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल टच भी नहीं करना है। ये देखिए अब ये परफेक्ट डो हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, बनाते हैं तंदूरी रोटी। फ्रेंड्स, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें से हम आटे की लोइयाँ तोड़ लेंगे, और थोड़ी इस रोटी की तंदूरी रोटी बनाने के लिए, और ये साइज मैंने लिया है। इस साइज के मैं रोटियां बनाऊंगी, तंदूरी रोटियां। इसी तरीके से हम ये सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। ये पेड़े मेरे 6 पेड़े रेडी हो गए हैं इतने आटे में, और इसको राउंड शेप में अच्छे से ऐसे कर लो। और थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे हम, सूखे आटे में लपेट करके, और इसको हम बेल के, और ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनती है ये, थोड़ा सा थिकनेस अच्छी मोटी रहती है। और ये पानी मैंने लगाने के लिए लिया है, और थोड़ा इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स ये काट ली थी धो करके, और इसको हम लगा लेंगे रोटियों पे एक साइड, और इसको बेलेंगे। ये रोटी मेरी बिल गई है, ये देखिए, बाकी रोटी से थोड़ी सी
थिकनेस ही ज़्यादा रहती है। अब क्या करना है, अभी इस साइड से इस पर पानी लगाना है, यहाँ पर अच्छे से पानी लगा लीजिए। और ये गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए और इसको हम ऐसे डाल देंगे, हाई फ्लेम पर ये रोटी को डालना है। अब देखिए इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारी रोटी का कलर चेंज हो गया, आप देख अच्छी भी लग रही है, खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी, नीचे से ये पकने लगी है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी आप रोटी बनाएं तो इसके लिए बिल्कुल साफ़ तवा ईंट से मंजा हुआ होना चाहिए, चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और आयरन तवा इसके लिए यूज़ करना है। इसको हम ऐसे सेक लेंगे, घुमाते हुए इसको सेकना है ताकि इसके किनारे अच्छे से सिक जाएं। ऐसे घुमाते हुए सेकना है, इसमें निशान आने शुरू हो गए, थोड़ा सा और सेकती हूँ मैं। बस इस तरीके से हम इसको सेक लेंगे। ये हमारी रोटी सिक गई है और इसको देखिए अच्छे से, और कलर भी हमारा बहुत अच्छा आया है। और सेक सेक के हम साइड में सर्व करने के लिए रखते जाएंगे और इस पर घी लगाएंगे। हमें घी बाद में लगाना है, इस तरीके से, और तवे पर घी नहीं लगाना है, ताकि तवे पर घी लग गया तो दूसरी रोटी हमारी बेकार हो जाएगी, वो चिपकेगी नहीं। इस तरीके से हम सारी रोटियां बना लेते हैं। ऐसी दूसरी रोटी हम डाल देंगे। पानी अच्छे से लगाना है, फ्लेम हाई रखनी है, और इस तरीके से इसको भी हम दूसरी सेक लेते हैं रोटी को। ऐसे ही हम दूसरी रोटी सेक लेते हैं घुमाते हुए, और थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना है तवा ताकि हमारी रोटी जले ना। इसी प्रकार से सारी रोटियां हम बना लेंगे। देखिए हमारी ऐसी रोटियां सिकनी शुरू हो गई है, और गर्मा गर्म परोसते जाइए और खिलाते जाइए। और ये रोटियां अच्छी लाल करारी सिकी होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है टेस्ट में। चलिए बाकी रोटियां भी हम बना लेते हैं। ऐसे सारी रोटियां बनाती जा रही हूँ और घी लगाती जा रही हूँ। लाल लाल करारी करारी रोटियां हमारी बहुत बढ़िया बनती हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए पीछे से भी अच्छी सिकी हुई है। बस इस तरह से मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ। हमारी रोटियां सिकती है, बस दो रोटी और बाकी हैं, इनको भी मैं बना लेती हूँ। सारी रोटियां हमारी बन चुकी हैं और सर्व करने के लिए रेडी हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सर्व कर दिया है तंदूरी रोटी, जिसके साथ गट्टे की सब्जी है, बीच में सीताफल की सब्जी है, साइड में आलू की सब्जी है। एंजॉय कीजिए, और मेरी रेसिपी है ये, और बनाइए कैसी बनती है और कैसी आपको लगी वो भी बताइए। एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार रेसिपी को बना करके देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करते रहिएगा।